गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग वीडियो नंबर 9 लेकर के आ रहे हैं। पिछला क्लास में हम किरण प्रकाशिकी में अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। वस्तु कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण में 6 केस होता है एवं उत्तल दर्पण में केवल एक ही केस है। ये अलग बात है, ये जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, ये आपको मैट्रिक क्लास में पढ़ना था। हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है उसका इस्तेमाल आगे के न्यूमेरिकल में और थ्योरी में करना है, इसी की वजह से यहाँ पर उसकी जानकारी दी जा रही है और इसका कोई एग्जाम में यूज नहीं होगा। तो हम लोग पिछला क्लास में देखे कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब फोकस के अंदर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब फोकस के अंदर काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को अनंत से दर्पण की ओर लेकर के आते हैं उसका प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाता है। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, आप लोग घर पर इसको बनाने की प्रैक्टिस करें, डायग्राम को बनाने की कोशिश करें कि इसका डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे। जो प्रश्न हम पिछला क्लास में दिए थे वीडियो नंबर 7 में, उसका सॉल्यूशन हमने वीडियो 8 में दिया है। तो बहुत से बच्चों ने बना करके इसका सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप पे भी भेजा, आप सॉल्यूशन को मिला लीजिए, खुद भी देख सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात, स्माइल हाउस के बारे में जो पुराने मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। स्माइल हाउस नाम का एक चैनल भी जो है यूट्यूब पर है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर भी अपने कोचिंग का वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ बहुत से ज्ञानवर्धक वीडियो जो है बना करके इसमें डाला गया है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को भी देख सकते हैं। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला मिलने वाला है। फॉर्मूला सिद्ध करने का तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग के सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, फिर भी हम लोग सूत्र सिद्ध करने के बारे में भी देख लेते हैं। लेकिन दर्पण सूत्र जो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े भी हैं, ऐसे ये कह सकते हैं कि जब से हम लोग वीडियो क्लास स्टार्ट किए हैं तब से ये आपका पहला फॉर्मूला मिलने जा रहा है, हम लोग इसको देखेंगे। दर्पण सूत्र के बारे में जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि उत्तल दर्पण में भी निकालेंगे तो फॉर्मूला वही मिलेगा, अवतल दर्पण में भी निकालेंगे तो फॉर्मूला वही मिलेगा, दोनों में ही फॉर्मूला सेम होगा। साथ ही साथ कोई भी केस उठा लीजिए, जैसे हमने कहा कि अवतल दर्पण में 6 केस है, तो 6 में से कोई भी एक केस उठा लीजिए, किसी भी केस पर आप इस सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में सूत्र जब निकालिएगा तो सेम सूत्र आएगा, वही सूत्र आएगा। इसीलिए हम कोई एक कंडीशन जो आसान है वही कंडीशन लेकर के दर्पण सूत्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, या हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध, के बीच संबंध प्राप्त करें। ये टॉपिक आपका दो तरीके से हो गया, एक अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र प्राप्त करें, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध प्राप्त करें, या अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें, 1/v + 1/u = 1/a। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र या अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी
एवं फोकस दूरी के बीच संबंध प्राप्त करें, या आप कह सकते हैं कि दर्पण सूत्र सिद्ध करें, 1/v + 1/u = 1/a। जानते होंगे आप, जहां v क्या है प्रतिबिंब दूरी, u क्या है वस्तु दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। तो हम इस सूत्र को अब सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम डायग्राम बना के देखते हैं। तो एक कंडीशन हम उसी में जो पढ़ाए हैं, कोई एक कंडीशन यहां पर हम बना करके देखते हैं। हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में परिस्थिति हमने दिखाया है, वस्तु ए बी है, वस्तु ए बी फोकस एफ, ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी। ए बी वस्तु से दो किरण निकला, एक किरण सीधा दर्पण पर गया, जो दर्पण पर गया वो फोकस से होकर गुजरता है जैसा कि रूल आपको पता है, और दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरा। तो यहां पर हमारा कटा, जहां प्रतिबिंब बना ए डैस बी डैस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रतिबिंब बना ए डैस बी डैस। यह हमारा ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी, ध्रुव से, यह हमारा ध्रुव हुआ, तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र पी से सी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 2f, क्योंकि आपको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना होती है, तो फोकस दूरी स्मॉल f है, तो वक्रता त्रिज्या 2f हो गया। और यह हमारा ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु दूरी u। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किसके किसके सामने है, ये तो सब p के सामने हो गया, ये हमारा f के सामने है, ये a' b' के सामने है, ये हमारा c के सामने है, और ये हमारा a के सामने है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। जो भी डायग्राम में है, चित्र में एक अवतल दर्पण दर्शाया गया है, जब आप लोग चित्र बनाइएगा तो कोशिश करिएगा कि प्रकाल ज्यादा फैला हो, जितना ज्यादा प्रकाल बड़ा होगा उतना ही फिगर अच्छा बनेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहां से जब आप लंब डालिएगा तो और नजदीक आएगा पी, चूंकि पी यहां है, तो जब आप प्रकाल ज्यादा बड़ा लेंगे तो ये थोड़ा सा फिगर सीधा बनेगा। और यहां जैसे मान लीजिए, मान के चलिए कि एम यहां नहीं, यहां होता, और यहां से हम लोग लंब डालते तो बिल्कुल इसी पर आता। चूंकि हम फिगर थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, तो हमने लंब डाला तो यहां हुआ, ये लंब हुआ, तो लंब डाले हैं तो ध्रुव से थोड़ा बगल में हो गया। लेकिन यदि चाप बहुत बड़ा लेते तो ध्रुव से जो लंब डाल, ध्रुव पर जो लंब डालते वो बिल्कुल पास में हो जाता। इसलिए फिगर बनाते समय इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखना को शुरू करते हैं, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी एवं त्रिभुज, समरूप मत लिखे केवल, त्रिभुज बी ए सी एवं त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, त्रिभुज बी ए सी एवं त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, बी एस सी एवं बी डैश ए डैश सी में आप देख सकते हैं कोण बी एस सी बराबर है कोण बी डैश ए डैश सी के, कोण बी ए सी यानी ये वाला कोण बराबर है बी डैश ए डैश सी मतलब ये वाला कोण के। क्यों बराबर है, तो दोनों ही कोण 90 डिग्री है। कोण बी सी बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, बी सी ए मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण बी डैश सी ए डैश के मतलब इस कोण के। क्यों बराबर है, तो ये दोनों कोण शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोण, अपोजिट वर्टिकल एंगल शीर्षा अभिमुख कोण से। आप जानते होंगे कि शीर्षा अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम बी ए सी बराबर है बी डैश ए डैश सी के, और बी सी ए बराबर है बी डैश सी ए डैश के। और आप जानते होंगे किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं
कि त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज B' A' C के। BAC समरूप है त्रिभुज B' A' C के, और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ये आप जानते होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका लंब बटा इसका लंब, इस पहले वाले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले वाले त्रिभुज का आधार AC बटा दूसरे वाले त्रिभुज का आधार AC। AB बटा AB' बराबर, अब आप ध्यान दीजिएगा AC का मान तो दिया ही नहीं है, AC का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन AC का मान मुझे चाहिए, AC का मान मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, AP में से मतलब यहां से यहां AP में से PC घटा दे, A से P में से PC घटा दे तो इतना बचेगा। अब देख भी सकते हैं यहां पर ये हमारा AP हुआ, इसमें से इतना घटा देते हैं ये वाला 2F तो इतना बचेगा। तो हम कह सकते हैं AC के जगह पर, यहां थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे आप, AP माइनस PC, AC को हम लिख सकते हैं AP माइनस PC बटा A' C का मान भी मुझे नहीं दिया हुआ है। यहां पर भी आप ध्यान देंगे PC में से यदि हम A' P हटा दें, PC में से यहां से यहां PC में से A' P यदि घटा दें तो ये बचेगा। यहां भी देख सकते हैं आप 2F में से यदि हम भी घटा दें तो ये बचेगा, 2F में से यदि हम भी घटा दें तो यही हमारा बचेगा A' C। तो हम लिख सकते हैं PC माइनस A' P, समीकरण नंबर हमारा ये एक हुआ। ये हमने रिलेशन लिया समकोण त्रिभुज BAC एवं त्रिभुज B' A' C में। एक बार फिर से देख लीजिए, समरूप त्रिभुज BAC एवं त्रिभुज B' A' C में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि दोनों कोण समकोण है, ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। किसी भी त्रिभुज का दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। और रूल कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो पहला वाला त्रिभुज का लंब बटा दूसरा त्रिभुज का लंब, पहला वाला त्रिभुज का आधार बटा दूसरा त्रिभुज का आधार, ए बी बटा A' B' बराबर, ए सी और A' C का मान दिया ही नहीं है तो ए सी के जगह पर हम लिख सकते हैं ए पी माइनस पी सी, और A' C की जगह पर लिख सकते हैं पी सी माइनस A' P, यानी PC में से A' P घटा देते हैं तो ये निकल जाएगा। ये हमारा समीकरण एक हुआ। हम लोग अभी देख रहे थे त्रिभुज BAC एवं त्रिभुज B' A' C में, अब हम देखेंगे MPF एवं त्रिभुज B' A' F में। ध्यान दीजिए त्रिभुज MPF एवं त्रिभुज B' A' F में, तो कोण MPF बराबर होगा कोण B' A' F के। क्यों बराबर है, तो दोनों ही कोण समकोण है 90 डिग्री, B' A' F मतलब ये कोण और MPF मतलब ये कोण, तो दोनों ही बराबर है 90 डिग्री। पुनः कोण एम एफ पी बराबर है कोण B' एफ A' क्यों बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान दीजिएगा कोण एम पी एफ बराबर कोण B' A' F, एम पी एफ बराबर कोण B' एफ A' B' A' F यानी 90 डिग्री, कोण एम एफ पी, एम एफ पी बराबर कोण B' एफ A' क्यों, ये दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। जब दो कोण बराबर हो, किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो
तो दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं, अभी हमने बताया, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MPF समरूप है त्रिभुज BA'F के। त्रिभुज MPF समरूप है त्रिभुज BA'F के, और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए पहले वाले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले वाले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। आप देख सकते हैं पहला त्रिभुज का लंब बटा दूसरा त्रिभुज का लंब, पहला त्रिभुज का आधार बटा दूसरा त्रिभुज का आधार। चूंकि AB बराबर है MP के, AB जो है MP के बराबर है, AB जो है वो MP के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बटा A'B' बीडेस, मतलब MP के जगह पर AB लिख दिया बटा A'B' बीडेस बराबर। PF का मान मुझे पता है, PF का मान मुझे पता है, इसलिए PF को हम छोड़ देंगे बटा A'F का मान नहीं दिया है, A'F का मान नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे, तो A'F की जगह पर PF A'P माइनस PF करेंगे हम, A'P में से यदि PF घटा दे तो ये बचेगा, A'P में से यदि हम PF घटा देते हैं तो ये बचेगा, यानी हम लिख सकते हैं A'P माइनस PF, A'P माइनस PF, समीकरण नंबर दो। समीकरण एक में आपने देखा और ये हमारा समीकरण दो है, तो समीकरण एक और दो को देखिएगा यदि, तो समीकरण एक और दो में लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर होगा, यानी समीकरण एक में भी AB बटा A'B' है और समीकरण दो में भी AB बटा A'B' है, यानी समीकरण एक और दो में LHS बराबर है इसीलिए RHS भी बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से, तो समीकरण एक में आपका क्या था, AP माइनस PC बटा PC माइनस A'P, ये समीकरण एक का RHS हुआ, ये समीकरण दो का RHS है, PF बटा A'P माइनस PF, PF बटा A'P माइनस PF। यह समीकरण हमारा तीन हो गया। अब हम बात करें चिन्ह परिपाटी से, हम लोग दो तीन वीडियो पहले देखे थे चिन्ह परिपाटी, तो अब हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल यहां करेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से AP का मान कितना होगा, AP का मान कितना है, तो U है, लेकिन चूंकि U ध्रुव के लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस होगा। PC का मान, PC का मान 2F है, लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस 2F होगा। A'P, A'P का मान भी है लेकिन चूंकि ध्रुव के लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस भी होगा। AP हो गया, PC हो गया, A'P हो गया, चौथा PF है, PF का मान लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस एफ होगा। समीकरण तीन में मान रखने पर, समीकरण तीन में, ये जो समीकरण आप तीन देख रहे हो, इस समीकरण तीन में हम इनका मान रखेंगे, तो AP के जगह पर माइनस यू, PC के जगह पर माइनस टू एफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, PC के जगह पर माइनस टू एफ, A'P के जगह पर माइनस भी, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, पी एफ के जगह पर माइनस एफ, एड एस पी के जगह पर माइनस वी, पी एफ के जगह पर माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। ये हमने मान रख दिया। समीकरण तीन में हमने चिन्ह परिपाटी का मान रख दिया है। अब बस इसको सॉल्व कर देना है केवल मैथमेटिकल में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो यू वी माइनस यू एफ माइनस टू वी एफ प्लस टू एफ स्क्वायर इक्वल टू टू एफ स्क्वायर माइनस वी एफ। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो टू एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर कट जाएगा। माइनस टू वी एफ को उस साइड ले जाइए तो यू वी माइनस यू एफ, तो माइनस टू वी एफ है तो उधर जाएगा तो प्लस टू वी एफ, और ये आपका माइनस वी एफ है। यू वी माइनस यू एफ टू वी एफ में से वी एफ एक घट जाएगा तो वी एफ हो गया। दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यूवी एफ से भाग देने पर यूवी बटा यूवी एफ माइनस यूएफ बटा यूवी एफ बराबर वी एफ बटा यूवी एफ। यूवी से यूवी कटेगा, एफ से एफ कटेगा, यू से यू कटेगा, वीएफ से वीएफ कटेगा। कुल मिलाकर क्या बचा आप देख सकते हैं, वन बाई एफ माइनस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई यू। इसमें से वन बाई एफ बचा माइनस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई यू। अब हम माइनस वन बाई वी को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। यही हमारा दर्पण सूत्र हुआ। ये हमने आप लोगों को समझा करके सूत्र सिद्ध कर दिया। चूंकि बड़ा बोर्ड नहीं है इसलिए एक बार में टोटल नहीं आया, नोट्स में आप देख सकते हैं। नोट्स जब आपको मिलेगा तो इसका सोल्यूशन उसमें भी आप देख सकते हैं। यदि कहीं प्रॉब्लम होगा नहीं समझ में आएगा तो हम लोग जो है सवाल पर डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें डायग्राम को ही समझना है। डायग्राम में आप ध्यान देंगे, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इसके बाद आप लोग को कहीं प्रॉब्लम यदि हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम यहीं पर होगा कि हम किसमें से किसको माइनस करेंगे। समझने कोशिश कीजिए, एपी में से यदि पीसी माइनस करेंगे तो एसी बचेगा, पीसी में से एडएसपी माइनस करेंगे तो एडएससी बचेगा, एडएसपी में से पीएफ माइनस कर देंगे तो एडएसएफ बचेगा। यही हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग जो है आज देखा कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध, या ये भी कह सकते हैं कि दर्पण सूत्र हम लोगों ने देखा। उत्तल दर्पण का भी दर्पण सूत्र यही होगा, अवतल दर्पण का भी दर्पण सूत्र यही होगा, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले क्लास में हम कुछ प्रश्न की भी चर्चा आपके सामने करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख करके मेहनत करें, और वीडियो फिर से एक बार बोल रहे हैं क्रम से देखें, क्रम से वीडियो को आप लोग देखें, वीडियो वन टू थ्री फोर ऐसे करके क्रम से देखें। जो लोग नए नए आ रहे हैं तो टेलीग्राम ऐप आप लोग डाउनलोड करें। टेलीग्राम ऐप जब डाउनलोड करेंगे आप तो उसमें आप कॉपी पढ़ाया हुआ जो भी है उसका नोट्स मिल जा रहा है, और साथ ही साथ वीडियो का लिंक भी मिल जा रहा है। एक नया चीज क्या हुआ है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।